दोस्तों सफलता की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वाले के ऊपर फिदा हो जाती है। दूसरों के चेहरे हम याद रखें ऐसी हमारी फितरत नहीं, लोग हमारा चेहरा देखकर अपनी फितरत बदल दें ऐसी हमारी फितरत है। लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। नसीब का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर आते हैं मेहनत करने वालों। जो हो गया उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज भी खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में मत लेना, आप इतने समझदार होंगे जो इस बात को समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं के बारे में दिन रात अपने दिल दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का सही निर्णय ही नहीं ले सकते। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का ढेर लगा दिया जाए और आपसे एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और आपको उस किताब को ढूंढने के लिए बोला जाए, तो हमें लगता है कि आपको बहुत समय लग जाएगा ढूंढने में। लेकिन उन्हीं किताबों को विशेष ढंग से रखा जाए तो आप जल्द ही विशेष किताब को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों जब हम निराश होते हैं तो सही विचार सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और सही निर्णय ना लेने से हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो, तुम कभी ना मरने वाला आत्मा हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा क्या है? क्या यह किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान देने वाली है? नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास बस में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरीके से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस चलती रहे। अगर आप इस तरह का निर्णय लेते हो तो आप मरने के बाद भी विजेता कहलाओगे, वह विजेता जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य है, बहुत लोग अपनी लाइफ से बोर हो जाते हैं और हार जाते हैं। हारना कायरों की निशानी है। जो भी काम आप करना चाहें उसे पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर मेरी ये बातें आप लोगों को अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।